गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बेचारा अकेले बैठा हुआ तो तरस भी आ रही है आज इस पे। कहाँ गए तुम्हारे साथी, छोड़ा है? ए इधर देखो तो, इधर इधर इधर, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ इधर बेटा इधर। अरे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह के जाम यार। बाबू कहते हैं ना, नफरत से प्यार हो ही जाता है, वही होने लगा है मुझे इनसे। नफरत को प्यार में बदल डाला। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह के जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। बस सर्दी में यहाँ पे हम लोग जम रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी ठंड से अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठंड का मजा हम, सॉरी फोन गिरा दिया नीचे, इतने सालों बाद हम यहाँ पे ठंड का मजा ले रहे हैं। मजा भी आ रहा है लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे रात में हीटर भी काम नहीं कर रहा था, 2 डिग्री पहुंचने वाला था। 2 डिग्री नहीं, 2 डिग्री ठंड में 2 डिग्री। प्रियंका होटल, आवाज ही नहीं आ रही होगी ना, चाय पियेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि हमारा क्लियर नहीं था, जा रहे हैं नहीं जा रहे। ठंडी हो गर्मी हो, इन्हें समोसा हर जगह खाना है। और ठंडी भाई, हाँ देख भैया खा रही है, सेव खा रही है। खा लो, खा लो पहले, खा लो, खा लो। नहीं सनी की बात है, किसी और चीज से मोहब्बत है तुम्हें तो समोसे से है तुम्हें। हाँ समोसा और चाय, चाय गर्म गर्म। फ्रेंड्स मजा आ गया समोसा खा के, लेकिन इसने धोखा दे दिया, हमें लगा हम दोनों ही बिना नाश्ता करके निकले। मैं तो घर से हमारी अम्मा ने पहले खिला दिया था, इसने बीच में दलिया दूध खा भी लिया। बता तो देते कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। जो इंसान लेट आएगा उठ के ऊपर से, वो उसको नाश्ता नहीं मिलेगा घर में भाई। जल्दी से निकलेंगे फ्रेंड्स क्योंकि हमें शाम होने से पहले आना है और आजकल ठंड की वजह से ना कोहरा हो रहा है, तो रोड में भी रास्ता सही से नहीं, रोड में रास्ता सही से नहीं दिखता, सही से नहीं दिखता कोहरे की वजह से। तो हम मैंने कहा जल्दी आ जाना, और अगर सनी चाहेंगे तो ले जाएंगे मुझे हल्दी के फंक्शन में भी, तो वहाँ भी जाना है। वो चला को सनी चाहेंगे, सनी क्या चाहेंगे, ले चलेंगे इंशाल्लाह टाइम से आ जाएंगे। सनी चाहेंगे दो ही तो हम जा पाएंगे। कितना डिग्री है टेम्परेचर? जल्दी जल्दी मेरे मुंह से 2 डिग्री की जगह 2 डिग्री निकल गया, तो वही वो चढ़ा रहा है। अभी हम आपसे डायरेक्ट कानपुर पहुंच के मिलेंगे। फ्रेंड्स हम लोग को एक शू रैक चाहिए घर के लिए, बस वो ही देखने के लिए आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोडाउन, कानपुर है ये। हम इनके गोडाउन में देखते हैं, हमें बंद वाला शू रैक चाहिए। ये कितना है? 3 वाला है ना, हमने लकड़ी वाला देख लिया था, हमने सोचा एक बार और देख लेते हैं, हर जगह तसल्ली कर लेना चाहिए फिर कोई चीज लेना चाहिए कि बाद में ना ये ना हो, और एक बार और देख लेना था तो घर के बाहर ही रखना है। तो सोच रहे प्लास्टिक वाला ले लें, ज्यादा सही क्योंकि लकड़ी कहीं यहाँ से निकल रही है वहाँ से निकल रही है, बारिश में और ज्यादा फूल भी सकती है, ये ज्यादा बेटर है ना। साथ में हमें एक स्टूल भी चाहिए था क्योंकि हीटर को ना बेड के लेवल पे रखना पड़ता है, तब जाके पैर गर्म हो पाते हैं। हमें ये वाला स्टूल चाहिए था बट वो चिपक गया था, निकला ही नहीं। फिर कोई बात नहीं, हमने दूसरे डिजाइन का ले लिया। सही है, सबके जूते आ जाएंगे इसमें, पूरे अहले खानदान के जूते आ जाएंगे। आपके अंदर गालिब जाग गए हैं, मैं बता रहा हूँ पूरे अहले खानदान के जूते। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मॉल, ठीक है। तो ये मॉल को बहुत ही प्यारा डेकोरेट करा हुआ है, मतलब रिजा होती ना तो खुश हो जाती, क्रिसमस का देखिए। अब जब आइए तो फिर मिलते हैं। अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर ले लीजिए। बाय, थैंक यू, बाय बाय। हाँ शादी वाले कपड़े हैं इसमें, इसमें फ्लैट 50% ऑफ। जो हमें फोन लेना था फिर मौदा हमें नहीं मिला, देख ही नहीं पाया, तो जो हम कानपुर से ही ले लेते।
डिस्काउंट की बात नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए ना। फाइनली हमने ये वाला फोन जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। वैसे हम लोगों को व्लॉगिंग के लिए ना फ्रेंड्स आईफोन ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि कैमरा आप सबको ही पता होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ सैमसंग के स्टोर पे आके बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोन दिख रहे हैं। खुश। इसके साथ चार्जर नहीं है ना? चार्जर लेना पड़ेगा। आप सैमसंग वाले भी ऐसे करते, आईफोन के भाई हो गए ना। फाइनली फोन मिल गया हमें। अच्छा ले लो भैया, ले लो ले लो, लड़ो नहीं ले लो। भैया बिरयानी नहीं मिली, कहीं नहीं कहीं और चलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। आज तारी फॉर्म में, फॉर्म में है। थैंक यू बेबी। किस्मत देखिए, आज मुझे इस पे जाना था तो यही बंद हो गई। भूख की वजह से जान निकल रही है। चलो खाते हैं। इतना अच्छा लगता है सारे लोगों से मिलके। बस लेट हो रहा है फ्रेंड, जल्दी जाना क्योंकि अंधेरा हो ही जाएगा रास्ते में ही, क्या करें, वरना तो हम मिलते ही रहे मिलते ही रहे मिलते ही रहे। जो लोग भी आज मिले, आप लोग ब्लॉग देखोगे, दिल से थैंक यू। अभी हम आ गए हैं जायका पे। हमने बटर चिकन ऑर्डर किया था और साथ में कोई टिक्का सनी ने ऑर्डर किया था, और चंगेजी बहुत अच्छा था। अच्छा खाना है, सीरियसली बहुत अच्छा। लौटते वक्त हम लोग फिर से प्रियंका ढाबा में रुके, हमने चाय पी, पापा के लिए खाना पैक कराया, डॉगी को भी खिलाया, और बस हम लोग चल दिए घर के लिए। और बहुत ज्यादा कोहरा था। काजल कल मेहंदी लगवा दोगी? कल भाई 12 बजे के बाद दिन में मेहंदी लेके आना। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं घर, और आपने देखा होगा कि मैंने सनी से कहा है कि मुझे वो सैमसंग का फ़ोन चाहिए, जबकि ये एक सरप्राइज है सनी के लिए। मुझे अपने लिए फ़ोन नहीं चाहिए, उसको आईफोन कम पसंद था। उसने एक दो बार कहा कि एंड्रॉयड होता है तो मैं फ़ोन में, सोचा ना आप ट्रांसफ़र कर लेते हो, डेटा ले लेते हो, कुछ कनेक्ट कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, तो एंड्रॉयड ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये फ़ोन हमने उसके लिए लिया है, इसलिए उससे वहाँ पर उससे चूज़ करवाया था, वहाँ पर उससे दिखवाया था। आपने देखा होगा, पता नहीं उसका कैसा रिएक्शन आएगा, खुश होगा नहीं होगा, या जो भी होगा आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। हम लोग आ चुके हैं घर। आज के दिन अलहमदुल्ला बहुत ज्यादा अच्छा था, अच्छा लगा ना, कानपुर में काफी लोग मिले। बस आज हम हल्दी में नहीं जा पाए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए। हल्दी में इसलिए जा पाए, लेट हो गए। हाँ। कोई गुस्सा भी हो गए लोग रस्ते में हमसे, जल्दी चलो जल्दी चलो। अब हल्दी में लेट हो रहा था, इतना कोहरा था वहाँ पे रोड में, तो फिर छूट गया। कोई नहीं, कल इंशाल्लाह मेरी मिलेगी। कोई चीज अल्लाह की मर्जी होती है तो कोई बात नहीं, कल चलेंगे। कोई बात नहीं, किसी का पचका हो गया हमारा नहीं। कम से कम 10 दिन से अरे हल्दी में ये पहनना है, मेहंदी में ये पहनना है, कोई बात नहीं। कल दो बार चलेंगे, कल दो बार लेके चलेंगे, ठीक है? पक्का वादा। फोन दिखा दो ऐसे ही ऐसे। और ये फोन, हाँ ये फोन किसका है? मेरा है। नहीं, किसका है? मेरा। सबक है, सॉरी सॉरी, सबक है, आप ही का है, सबक है ये फोन? नहीं, क्या आप ही के लिए लिया? नहीं नहीं, मैं सीरियसली आपके लिए लिया है। नहीं, तुम्हारे लिए भी, हमने आप ही के लिए लिया है। फोन में सबक दे रहा हूँ क्योंकि पता है सबक का फोन खराब हो गया है, उसका कुछ काम नहीं कर रहा। बहाना कर रहे थे आपके लिए लिया। अल्लाह कितनी प्यारी हो तुम, चुप रहो जवाब लेके। हमसे करी तुम बताओ कौन सा नंबर के,
हम बताए लेना चलाना तुम्हें, हम तो आपसे हर चीज पूछते हैं ना, लेकिन मुझे लग रहा नाचू हैप्पी हैप्पी अपनी न्यू सिम डाल लेना। ब्लॉग बंद करो। नहीं क्यों बंद करो? क्यों कवर भी ले लो यार, मतलब। और वो कहा है आपका हेडफोन? जब मैंने आपसे पूछा तार वाला चाहिए या वायरलेस चाहिए था, आपने कहा तार वाला सही रहता है, तो हमने कहा ठीक है। थैंक यू, आई लव यू। खोल के तो दिखा दो अपना न्यू फोन। तुम खोल के दिखा। ये है सनी का न्यू चमचमाता हुआ फोन। थैंक यू। हेलो, हाँ ठीक है। भैया धीरे से खोलना बंद करना, ढक्कन निकल जाए। कल लेके जाऊंगा इसको, बाहर अभी नहीं है ना, पहले इसको रात में रेडी करेंगे। सही बता, तुम्हें अंदाजा था या नहीं था? नहीं, अल्लाह की कसम खा, मुझे कोई अंदाजा नहीं। मुझे लग रहा था कि तुम्हारा फोन खराब हो गया है। हाँ। और तुम अपनी लिए ले रही हो। मैं दो दिन से इसको कह रही हूँ मेरा फोन ऐसा हो रहा है। इसीलिए आज हम कानपुर स्पेशली गए थे। और मुझे लग रहा था कि इसका फोन वाकई खराब हो गया, तो उसको फोन दिलवा दो, क्योंकि इसको वाकई प्रॉब्लम होती है बिना फोन के। हाँ, पता है। और ये बहाना कर रही थी। हम सिर्फ कपड़ों के लिए कानपुर कभी भी नहीं जाते सुबह, इसलिए हम लोग कंफ्यूज थे। और हमारा ये मन था, हमने आपसे कहा था ना, हमीरपुर में नहीं है क्या शॉप मोबाइल की? अगर होती ना तो हम कानपुर तक जाते। और यकीन मानो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम मतलब मुझे फोन दिलाने जा रही हो। मुझे आगे तक लग रहा है कि यार इसको वाकई फोन जरूरत है। और हमें समझ में नहीं आता इसको क्या गिफ्ट करें, इसको कुछ चाहिए ही नहीं होता है। हाँ, अच्छा, मुझे पता है क्या इसको लगा? बुलेट पसंद है, लेकिन कभी होता ना, अभी कभी यहाँ रहना है, कभी मुंबई रहना, तो हमने कहा बुलेट बाद में कभी लेंगे, लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। चलो जाओ। तुम कहते हो तो मैं जाऊँ ना बाहर। अब क्या कर रहे हो? रख रहा हूँ पन्नी में, डाल के क्या कर रहा हूँ? तुम उसे वापस पन्नी में डाल के रख रहे हो? क्या हुआ अभी यहाँ? रख दो तुम। सनी इसको यूज करने के लिए दिलाया है। अरे तो भैया यूज करूंगा ना अभी, अरे उल्टा डाल दिया यार। सच में एकदम छोटे बच्चे की तरह करते हो। मुझे अपनी चीजों को संभाल रखने का बड़ा शौक है। घड़ी लोगे या नहीं लोगे? घड़ी मुझे दे देना। घड़ी तुम ले लेना। थैंक यू। तो अब दरवाजा कौन लगाएगा? वो अपने आप लग जाएगा। बंदर बंदर कुंडी खोल लेगा अगर तुम्हारे जैसे बंदर हुआ। फिर हम बैठेंगे थोड़ी देर अम्मा के पास और सनी जाएगा फ्रेंड्स में। क्या तुमने क्या बोला, हम बंदर हैं? नहीं, हम कह रहे थे अभी अपलोड करने के बाद जाएंगे चाय बनाने। आप बना लाए? अरे तुम्हें तेज लगी हो ना काम पे, मैं सोच रहा बना के देता। क्यों बनाया लेकिन इतने अच्छे? क्यों हर काम मिले बीवी मिले करना चाहिए ना। थैंक यू। फ्रांसिस हीटर के पास 10 मिनट पका के लाए उसको। अदरक डाली है तो वही तो मैं कह रही हूं, सब कुछ डाला आपने। अदरक पड़ी है और इलायची और लौंग। अल्लाह, थैंक यू, बहुत अच्छी बनाई है। Thank you so much.